एकदम हवा जो है ना बदल गया है बिल्कुल रुख बदला है, हवा बदल गया है। तब तो कोने कोने से झारखंड के यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। राहुल गांधी ने वादा करके गया है, प्रभाव पड़ा है कुछ उनके बयान। बिल्कुल 50% के दीवार को तोड़ने का वादा किया है राहुल गांधी ने। अपने कोने कोने में जाकर लोग को बताने का कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी आएंगे अगर यहाँ कांग्रेस की सरकार आएगी तो 50% के दीवार को तोड़ने का काम ये कांग्रेस पार्टी करेगी। आने वाले समय में इस बार जो है चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आएगी। कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार पुनः गठन होगी। और ये रांची से अभी अभी जो है वो एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं, संविधान सम्मान सम्मेलन में शामिल हुए थे। जो लोग यहाँ पर शामिल हुए थे बताया जा रहा है कि ये लोग बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं। संविधान पर क्या बातचीत हुई है, क्या समझ में आया है इन लोगों के राहुल गांधी के बयान से, कितना प्रभावित हैं और आज से झारखंड की राजनीति में यानी कि चुनाव पर इसका क्या असर है, सब बात समझते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? मैं बोकारो से मैं आया हूँ। अखिल भारतीय संतगाड़ के संस्थान और अखिल भारतीय धोबी महासंघ के तरफ से, और राहुल साहब जो बताए हैं वो हम लोग आम जनता को जो है ना एकदम पूरा आँख खोल दिए। अच्छा। हमारा हक अधिकार क्या है जो कहीं कहीं हम लोग अनभिज्ञ थे, उसको एक नई दिशा देने की कोशिश किया। निश्चित ही आज का उनका अभिभाषण जो है ना चुनाव को नई दिशा देने का काम करेगा। और हम लोग जो है संविधान की रक्षा के लिए उन्होंने जो एक मुहिम चलाई है उनको मैं सपोर्ट मैं करता हूँ। जब तक उसके बाद मैं आरक्षण के 50% के दीवार के तोड़ने की जो बात है बिल्कुल ही अचरज सत है। साथ ही संविधान जब नहीं बचेगा तो देश नहीं बचता। मानवता को यह रखने के लिए, मानववाद को मैंने अक्षुण रखने के लिए। झारखंड के फिजा में कुछ बदलाव है, चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है उनके आने से? हाँ, बहुत बदलाव होगा। एकदम हवा जो है ना बदल गया है बिल्कुल रुख बदला है, हवा बदल गया है। तब तो कोने कोने से झारखंड के यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं और कल रात से मौजूद हैं यहाँ पे कोने कोने से। राहुल गांधी ने वादा करके गया है, प्रभाव पड़ा है कुछ उनके बयान। बिल्कुल 50% के दीवार को तोड़ने का वादा किया है राहुल गांधी ने। उससे हम लोग गदगद हैं और अपने कोने कोने में जाकर लोग को बताने का कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी आएंगे अगर यहाँ कांग्रेस की सरकार आएगी तो 50% के दीवार को तोड़ने का काम ये कांग्रेस पार्टी करेगी। और राहुल गांधी पूरे देश में 50% का जो दीवार बना हुआ है उसको तोड़ने का काम करेगी। जय झारखंड। चलिए ठीक है, कहाँ से दादा? हम बाईसी मुस्लिम वेलफेयर कमेटी बोकारो जिला। बिल्कुल, अल्पसंख्यक समाज से हैं। राहुल गांधी जी बहुत देर बोले, क्या लगा आपको अल्पसंख्यकों के लिए, क्या ऐसा वो अच्छा बढ़िया बोले? नहीं, एक चीज़ तो बोले और हम लोग अपनी बातों को रखें मंच में। सबसे पहले तो आज झारखंड की सरजमीन पे बिरसा मुंडा की सरजमीन रांची में राहुल गांधी जी का बहुत बहुत स्वागत हम लोग किए, अल्पसंख्यक दलित माइनॉरिटी के सारे लोगों ने। हम लोग सभी समुदाय के सभी संगठन के सब लोग अपनी अपनी बातों को रखे। माइनॉरिटी से हमने इस बात को रखा कि भाई माइनॉरिटी जिसकी जितनी भागी मैंने संख्या उसकी उतनी भागीदारी, जो हमारे खड़गे साहब राहुल गांधी जी का जो वचन है उस पर हम लोग अपनी बात को रखे कि भाई हमारा जो संख्या है उस संख्या के आधार पर सबसे पहले डेमोक्रेसी में मेरा जब तक पावर नहीं होगा, संविधान सम्मान करने से नहीं होगा। राहुल गांधी जी भी बोले कि संविधान का सम्मान करने से नहीं होगा, इसको बचाने की आवश्यकता है। तो हम तभी बचा सकते हैं जब हमारे पास डेमोक्रेटिक पावर, जमहूरियत पावर हमारे पास होगी। तो पावर तभी आएगी जब हम दलित एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी जहां जिसकी जितना संख्या है उस संख्या के आधार पर आप हमें टिकट दें लोकसभा और विधानसभा में और अपने लोगों को जिताने का काम करें। टिकट तो मिला नहीं लोकसभा में आप लोगों को? नहीं, लोकसभा में नहीं मिला, तो हम लोग विधानसभा की बात किए कि विधानसभा में जिसकी जितनी भागीदारी है उस हिसाब से उस हैसियत से उसको टिकट दिलाने का काम करें और हम अपने प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। कांग्रेस का सरकार को बनाएंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हाँ बोकारो विधानसभा से हम अपने माइनॉरिटी चेहरा चाहते हैं। हमारे माइनॉरिटी का सबसे ज़्यादा वहाँ संख्या है, पूर्व में भी हमारा सीट वहाँ रह चुका है और जब जब माइनॉरिटी के लोगों को मुस्लिम चेहरा को वहाँ से टिकट मिला है हम जिता के भेजने का काम किए हैं। बोकारो से तो बिरंची नारायण दावा कर रहे हैं कि वहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की ही लहर है और वही आगे चले। सबसे ज़्यादा आप बोकारो का आंकड़ा देखिएगा गूगल में, आप लोगों को पता होता है। आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि 1,17,000 माइनॉरिटी मुस्लिम वोटर्स हैं और जब जब माइनॉरिटी मुस्लिम चेहरा को वहां से प्रत्याशी बनाया गया
तब तब वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जनता ने, एसटी एससी माइनॉरिटी के लोगों ने जिताकर विधानसभा भेजने का काम किया है। और इस बार भी हम लोग आशा और उम्मीद करते हैं और राहुल गांधी से हम लोग ये आशा करते हैं, अपनी बात को भी रखा कि आप संख्या बल के आधार पर जो आपकी बात है, जो आप जिस बात पर स्टैंड रहिए, हम लोग प्रत्याशी दीजिए, हम जिता के भेजने का काम करेंगे। ठीक है, और लोग भी यहाँ पर हैं। क्या क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से आए हैं? हम लोग धनबाद से आए हैं, मेरा नाम हुआ गंगावाल। राहुल गांधी को सुने, क्या लगा सुनकर? देखिए, राहुल गांधी को सुने, राहुल गांधी के जो भाषण है, पूरे देश में एक लहर आ रही है और परिवर्तन की लहर है। जो उन्होंने कहा कि जिसकी इतनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, और हमने भी अपनी समाज की और बात सब जो समस्या है उनके पास रखी है, तो उन्होंने यही कहा कि पूरे देश में एससी एसटी ओबीसी के पास जो समस्या है उन समस्याओं का निदान किया जाएगा और उनको उतनी भागीदारी दी जाएगी। और आने वाले समय में जो भी यहाँ सरकार बनी तो उनकी जो समस्या है उस समस्याओं का निवारण किया जाएगा। जैसे जाति प्रमाण पत्र का मामला हो, यहाँ सफाई कर्मचारी आयोग का गठन का मामला हो, एससी आयोग गठन का मामला हो, उन सारे कामों को किया जाएंगे। और उनके आने से लोगों में विचार परिवर्तन हुए हैं और आने वाले इस चुनाव में इस चीज़ को देखा जाएगा। और युवा लोग जो है राहुल गांधी जी के विचारों से बहुत प्रेरित हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में इस बार जो है चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आएगी। कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार पुनः गठन होगी और यहाँ बनेगी मजबूती के साथ। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.